हो जब आवेगा भगत सिंह किसके हाथ में। सरदारों जवाब अच्छा लगे तो आपकी दो हाथों की तालियां मिले, क्योंकि भगत सिंह ने जोश में भर के यह जवाब दिया। क्या? अरे देश ते जुड़ा है बहन प्यार, बहन मेरी क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह तो वो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। खातर जान झोंक दे उसे ही कया जा से, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गेर, हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गेर। सर पे चाहे होती ना समाई मेरे गात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री खेमचंद यादव जी खुश होकर के बहन और भाई की रागनी पर सजनों 200 रुपए दिए हैं। खेमचंद जी का तालियों से स्वागत, बार बार धन्यवाद। भैया भगत सिंह वो माँ अपने मन के अंदर कितने सपने सजोए बैठी थी कि एक दिन मेरा बेटा भगत सिंह बड़ा होगा और मेरे घर में एक चांद सी दुल्हन आएगी। मेरी माँ के सपने तो अधूरे रह जाएंगे भगत सिंह। मेरी माँ का सपना है कि वो बेटा भगत सिंह दुल्हन लेकर के आएगा। साथियों अब जवाब देखिएगा और अच्छा लगे तो फिर बताना। तो अमर कौर मेरी माँ विद्यावती को, मेरी बूढ़ी माँ विद्यावती को जाकर के कहना कि तेरा बेटा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि भगत सिंह का लक्ष्य है, भगत सिंह का टारगेट है, भगत सिंह चाहता है
कि अगर मेरे फांसी चढ़ने से मुझे ये गोरे अंग्रेज अगर शहादत करेंगे, मेरी शहादत से, मेरी वीरता से, मेरे मरने से, मेरी कुर्बानी से अगर मेरी भारत माता को आजादी मिल गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दूसरी दुल्हन नहीं हो सकती। मेरी बात सुन भाई। कहिए। बड़े बड़े दुख उठाए बैठी मेरा बुढ़ा पकट जागानू अपनी धीर बनाए बैठी 900 साल गुलामी भोगी 900 साल गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब लोगों आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस भोली भाली महान कहानी सुनती जाइए सारी ताज भोली भाली महान कहानी सुनती जाइए सारी ताज झिले करेगी दिन रात मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। अमर कौर। हाँ भैया। तुम कहती हो कि मेरी माँ रोएगी, हाँ, आंसू बहाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी माँ को तिल भर भी नहीं रोना चाहिए। अरे जिस दिन मेरी कुर्बानी हो उस दिन मेरी मां को तो हंसना चाहिए और हंस हंस के गीत गाना चाहिए। बता दूं मेरी मां को क्या गाना चाहिए? हाँ। ए नौजवानों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर रागनी को ध्यान से सुन रहे हैं तो तमाम हिंदुस्तानियों ने भगत सिंह के फांसी के वक्त यह गीत गाया होगा। भगत सिंह और उसके साथियों ने भी यही गाया होगा। क्या अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ गाना, क्योंकि एक लिखने वाले विद्वान ने लिखा है, है प्रीत जहां तेरी सदा, है प्रीत जहां तेरी सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता शेरनी।
मत रोने काली जे नाम। माता जी को मेरी माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम परनाम। धूल जवानी पे पड़ जागी जो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जागी जो भारत माता रहे गुलाम। भगत सिंह, पहली बात तो ये कि एक बहन के जीवन में बहुत ऐसे वक्त आते हैं जब एक बहन को एक भाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले तो रक्षाबंधन का त्योहार, फिर हर बहन का ये सपना होता है कि जब वो अपने बेटा या बेटी की शादी करे तो उसका भाई उसके दरवाजे पे भात लेकर के आए। और भगत सिंह, एक बात तुझसे और समझाना चाहती हूँ कि अगर तू उन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगना चाहता तो मुझे उन अंग्रेजों के पास ले चल, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, उनके सामने झोली फैला करके भीख मांग लूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी भगत सिंह। बुजुर्गों, एक कहावत तो आपने ही कही है ना, तू उनके सामने गिड़गिड़ाएगी, हाँ, माफी मांगेगी, पैर पकड़ेगी, हाँ, नहीं। इन बुजुर्गों ने कहा है, अक लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, ऐसा ही कहते हैं ना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये बेदर्दी है, ये इस प्रकार से जानने वाले जाने वाले और मानने वाले नहीं है। मेरी बहन, मैं तो ये कहूंगा कि इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ने लिया है, और कत्ल होने से कहां तक डरूं, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले। अरे भैया भगत सिंह, मेरी माफी मांगने की बात तो ये है, क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है मजबूरियों से गुजरना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मेरी मजबूरी है तो उन अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाऊंगी, माफी भी मांगूंगी, लेकिन फिर भी तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुन, हाकिम ने सजा सुनाई उसने मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। गुणगान होगा तेरी राखी के, तेरी राखी के नेक जोग में।
जहान मेरा बलिदान होगा। और जितनी महफिल बैठी हुई है, आगे की लाइन अगर आपके दिल को छू जाए तो तालियां उस मेरे गुरुजी के लिए जिसने लाइन लिखी है। और बच्चा बच्चा जय बोलेगा परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेक जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करन न्यू कह दीरी तेरा भात हिंदुस्तान होगा। कहे जय करन न्यू कह दी तेरा भात हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो रोयो राजा गावे सुरीती लगा के दुर्गे मात में भारत रहेगा तेरे साथ।